करनाल जम्मू में 35A हो या धारा 370, इसको जल्द ही खत्म करवाया जाएगा। पूरे देश में एक कानून, एक संविधान लागू होना चाहिए। यह विचार आज विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मलिंदे परांदे ने हरियाणा दौरे के दौरान करनाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि पहली बार इस बार विश्व हिंदू परिषद का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जम्मू में संपन्न हुआ, उसमें 35A और धारा 370 को खत्म करने के लिए प्रस्ताव पास किया गया। इसके अलावा उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि राम मंदिर के निर्माण में विश्व हिंदू परिषद का अहम स्थान है। विश्व हिंदू परिषद एवं संतों के सहयोग से ही राम मंदिर का निर्माण होगा। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद सामाजिक कामों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेता है। इस तरह से आज का युवा नशे की ओर खींचता जा रहा है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन युवाओं को जागरूक करके नशे के खिलाफ खड़ा करें। इसके अलावा ऐसे नशा के कारोबार करने वाले कानून के शिकंजे में पकड़वाने का भी काम विश्व हिंदू परिषद करता है। महामंत्री मलिंदे परिंदे ने कहा कि जो हमारे भाई बहन हिंदू धर्म छोड़कर गए थे और अपने धर्म में वापस आ रहे हैं, उनको विश्व हिंदू परिषद स्वागत करता है। अंत में उन्होंने आशा जताई कि 2024 से पहले राम मंदिर का निर्माण अवश्य शुरू हो जाएगा। इसके बारे में जानकारी देना और लगभग 3,35,000 से अधिक युवकों को हमने दारू और ड्रग्स से दूर रहने की शपथ अभी दी थी, तो संस्कार जगाने के, हिंदू समाज के उत्थान के लिए सेवा के ऐसे अनेक काम हम चलाते हैं। अभी अपने लगभग 92,000 से ज़्यादा सेवा कार्य पूर्ण देश भर में चल रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वैसे ही आर्थिक स्वावलंबन, महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में ऐसे अनेक सेवा प्रकल्प हम चला रहे हैं। अभी आज जो बैठे थे हम लोग, तो हरियाणा में भी अपने सेवा कार्य कैसे बढ़ेंगे, साथ ही साथ में ड्रग्स से, नशा से हिंदू समाज की कैसे रक्षा हो सकेगी, इसके बारे में कुछ विचार हुआ है। और एक जो बहुत बड़ी चुनौती हिंदू समाज के सामने है कि बहुत सारे ईसाई मिशनरी यह देश भर में जो गैर कानूनी है ऐसी गतिविधि धर्मांतरण की वो चलाते हैं, अपने देश में प्रलोभन देकर, झूठ बोलकर या डर दिखाकर यह अपप्रचार करते हुए अपने धर्म का प्रचार करना यह गुनाह है। इसके बावजूद भी हजारों ईसाई मिशनरी संगठन इस कार्य में लगे हुए हैं। हमारे हिंदू सिख भाइयों को धर्मांतरित करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र पूर्ण देश भर में चल रहा है। हरियाणा में जो यह षड्यंत्र चल रहा है, इसको रोकने के लिए संगठन करके क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी यहाँ पर भी और जम्मू के बैठक में भी पूर्ण देश के दृष्टि से विचार हुआ है। तो ऐसे अनेक विषयों को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।